तो कैसे हो दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10, जो कि 2019 में अपडेट होकर आई है कुछ नए फीचर्स के साथ, जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिए हैं। वो कुछ फीचर्स में ऐड करे गए हैं, जो कि है ABS, EBD और साथ ही में एयर ड्राइवर साइड एयरबैग आपको स्टैंडर्ड हो गया है। और कुछ ऐसी दिखती गाड़ी फ्रंट से। और साथ ही में चलते हैं गाड़ी के लाइट्स की तरफ। आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलती है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ, और फॉग लैंप्स इसमें एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ आप लोगों की नंबर प्लेट आएगी। और ये सुजुकी का ग्रिल, और ये वॉशर, एक ही वॉशर मिलता है आपको गाड़ी में 3 नोजल्स के साथ। और ये वाइपर्स हैं। रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं ऑल्टो में, ऑल्टो K10 में। और कुछ ऐसी दिखती गाड़ी साइड से। और आपको नॉर्मल इंडिकेटर मिल जाते हैं। और अगर इसकी बात करूं तो ये भी आपको नॉर्मल ही मिलते हैं, बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं। इसको आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं बॉडी कलर। और ये पुरानी ऑल्टो की याद दिलाते हैं, जो कि अभी भी कंटिन्यू इसमें भी हार है 2019 में। और कुछ ऐसी दिखती गाड़ी पीछे से। और ये पीछे की टेल लैंप्स। और ये ऑल्टो K10 की बैजिंग, ये VXI मॉडल की बैजिंग। और यह सुजुकी का लोगो। और यह मारुति सुजुकी की बैजिंग। एंड ये हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। आपको रियर वाइपर एंड डिफॉगर नहीं मिलता है ऑल्टो K10 में। एंड यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। ₹998 का इंजन आता है ऑल्टो K10 में, जो कि आपको देगा 21 का माइलेज। और साथ ही में बहुत ही बढ़िया सर्विस मिलती है आपको मारुति की तरफ से। और कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो मैं कलर्स ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। चलिए गाड़ी के पीछे का डोर खोल के देखते हैं कि वहाँ का कैसा लुक है। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि डोर की जो ओपनिंग है वो काफ़ी वाइड है। और यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस मिलती है। और ये कुछ नॉर्मल सा डोर है गाड़ी का। ये आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं। और ये मैन्युअली ऑपरेटेड विंडो का है कंट्रोल। और ये फैब्रिक सीट्स मिलती हैं आपको गाड़ी में फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ। चलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और आपको मिनिमम और मैक्सिमम लेग रूम भी दिखा देता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। और आपको स्कूप डाउन सीट बैक मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर गाड़ी में कहीं लाइट अवेलेबल नहीं है। और आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं गाड़ी में। और सीटिंग की बात करूं तो पीछे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, अगर 3 लोग भी बैठ सकते हैं बैठने के लिए, पर वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होंगे बैठने में। और आप देख सकते हैं पीछे का पार्सल ट्रे। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड पीछे की सीट से। और यहाँ आप देख सकते हैं आप एक बॉटल होल्डर रख सकते हैं, बॉटल होल्डर मिलता है आपको, छोटी बॉटल रख सकते हैं आप। तो चलिए गाड़ी के फ्रंट में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हमको। तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का फ्रंट का डोर। और ये आपको स्पीकर मिल जाते हैं। और ये मैगजीन होल्डर, बॉटल नहीं आ सकती यहाँ पे। और आपको नॉर्मल स्पेस मिलता है। और ये सिल्वर इंसर्ट्स के साथ आपको मिलता है डोर हैंडल। और ये आप लोग देख सकते हैं आपको पीछे की बूट खोलने का और फ्यूल लिफ्ट खोलने का यही मिल जाता है। और ये पेडल्स। और ये हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है। और कुछ आती दिखती है फ्रंट की सीट्स, फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ आती है ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। ये हाई नॉन हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं। और कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है RPM मीटर, राइट मिडिल में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर।
और आप लोग राइट साइड में आपको गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ड्राइवर और पैसेंजर साइड के लिए आपको सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन मिलता है। और आप देख सकते हैं ये एयर बैग जो इसमें ऐड किया गया है, और ये सुजुकी का लोगो, और ये वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, और ये हेडलाइट के, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। और ये म्यूज़िक सिस्टम मिलता है आपको टू डिन का, दो स्पीकर्स के साथ। उसमें आप यूएसबी ऑक्स भी चला सकते हैं। और उसके नीचे आऊँगा तो यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं विथ हीटर। और यहाँ नीचे भी काफ़ी स्पेस है, आप लोग देख सकते हैं। अगर सीडी वीडी रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं। और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे। ये 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ 2 पावर विंड, आगे के दोनों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। और कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का हैंड ब्रेक। चलिए गाड़ी का ग्लव बॉक्स खोल लेते हैं और वहाँ देखते हैं कितनी स्पेस है। आप देख सकते हैं ठीक ठाक स्पेस मिलती है आपको ग्लव बॉक्स में, रेनॉल्ट क्विड से ज़्यादा ही मिलती है। और एसी वेंट्स का आप देख सकते हैं शेप राउंड शेप में, जो कि काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मिडिल के आपको स्क्वायर में मिलते हैं। इसकी बात करूं पीछे की मिरर की, तो ये नॉन एडजस्टेबल मिलता है, डे और नाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। और ऊपर की तरफ लाइट मिल जाती है एक। और पैसेंजर साइड सनसेट खोलूँ तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, और अगर ड्राइवर साइड सनसेट खोलूँ तो आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। तो कुछ ये था आगे का केबिन का लुक गाड़ी का। और यहाँ पे दो बॉटल होल्डर भी मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी का इंजन खोलते हैं। और फिर तो दोस्तों ये है मारुति सुजुकी का 998 cc का ऑल्टो के 10 का इंजन, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बोनट क्लोज कर लेते हैं। और गाड़ी का बूट देख लेते हैं। चलिए यहाँ आपको मिलती है 117 लीटर की बूट स्पेस, और उसके नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्पेयर व्हील विथ टूल किट। चलिए बूट क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में बताएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी हो तो। थैंक यू।